अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी कैप ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है, कहाँ कहाँ किन बच्चों के एडमिशन किए हुए हैं। अगर आप अपने कॉलेज या अपनी परसेंटेज के हिसाब से अपनी चॉइस के कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हैं तो क्लेम कर सकते हैं। तो कौन से बच्चे क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रा देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है 2023-24 के लिए। कि ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 3 दिन बाद अपलोड किया जाएगा, ये तो इन्होंने पहले कहा था, लेकिन अब ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। और क्या है, कौन कौन से बच्चे जो हैं वो कर सकते हैं क्लेम। परसेंटेज सिलेक्टेड कॉलेज के मुताबिक होने के बावजूद उस कॉलेज में नाम नहीं आया। दूसरा, हासिल करदा नंबर दूसरी फैकल्टी के मुताबिक हैं तो फैकल्टी हमें चेंज करनी चाहिए, करनी है। कट ऑफ परसेंटेज के लिहाज से ग्रुप तब्दील कर सकते हैं आप, फैकल्टी चेंज करना चाहें, प्री कंप्यूटर से प्री इंजीनियरिंग से कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है कि परसेंटेज हासिल करदा दूसरे कॉलेज के मुताबिक हैं और कट ऑफ परसेंटेज, तो इसलिए हम वो कॉलेज लेना चाहते हैं जहां पर हमारी परसेंटेज कट ऑफ के मुताबिक है। तो कट ऑफ परसेंटेज मेरिट के लिहाज से कॉलेज तब्दील कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नोट ये कि अपने जोन या ज़िले में ही मुमकिन होगा और क्लेम सिर्फ एक बार कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप बार बार क्लेम करेंगे तो वो आपके उसको वो कर देगा, कैंसिल कर देगा एडमिशन को ऑटोमेटिकली। इसमें किसी बंदे का, किसी इंसान का, किसी स्टाफ का कोई हाथ नहीं होगा। तो 2-3 दफ़ा अगर आपने एक ही चीज़ को क्लेम किया तो वो कैंसिल कर देगा आपके एडमिशन को, ये समझ कर के जी ये आप जो हैं वो नॉन सीरियस हैं, ठीक है। तो बच्चे ये ध्यान रखें और इस हिसाब से अपने कॉलेजेस में कंप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।